हाय गाइस, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हमारा टॉपिक है एटीपी, कि एटीपी क्या है, जिसे इनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। करेंसी से आपको क्या समझ आता है? करेंसी जैसे कि हमारे भी नोट होते हैं, जैसे जिसे रुपया हो गया, डॉलर्स हो गए, यूरो वगैरह, ये सारी करेंसीज हैं। ठीक है, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं? हम एक्सचेंज करके, करेंसी एक्सचेंज करके कोई भी चीज़ ले लेते हैं। लाइक हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो हम उसके बदले जस्ट करेंसी पे करेंगे और हम वो प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये मतलब हम करेंसी ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम कोई भी चीज़ जो है वो ले सकते हैं, उसके एक्सचेंज करके हमने जस्ट करेंसी कर देनी है और वो आगे से हमें वो वाली चीज़ मिल जाएगी। इसी तरह हमने किसी की कोई भी जो है वो सर्विस लेनी है तो उसको भी हम इन रिटर्न करेंसी देते हैं। इसी तरह जो है सेल, सेल के पास भी करेंसी होती है जिसे हम कहते हैं एटीपी। ठीक है, वो उसी एटीपी को यूज़ करके अपने बहुत सारे काम करता है, जैसे कि सेल के अंदर मूवमेंट वगैरह, ग्रोथ वगैरह, या उसे जो भी काम उसके होते हैं वो एटीपी के थ्रू करवाता है। मतलब उसने वहाँ पे एटीपी जो है वो पहुँचा के तो वो एज अ एनर्जी करेंसी के जो है वो सप्लाई करनी है हर ऑर्गेनाइज को, और उसकी बदले ऑर्गेनाइज उसका काम करेंगे। तो एटीपी ऐसे काम करती है। अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ, कि स्ट्रक्चर क्या होता है। जी दोस्तों, तो स्ट्रक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता जाऊं कि एडिनिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी है क्या। एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियोटाइड से मुराद ये होती है कि ये न्यूक्लियोटाइड वो यूनिट्स हैं जिनसे मिलकर डीएनए बना होता है। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड की एक एग्जांपल क्या है? एटीपी। और एटीपी स्टैंड किसके लिए कर रहा है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के लिए। ये दोनों जो हैं वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाते होते हैं, इसलिए आप इनको भी प्रिपेयर करें कि एडिनिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी जो है वो होती है, और एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड भी है। अब हम चलते हैं एटीपी के स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले एडिनिन जो कि नाइट्रोजिनस बेस है, दूसरे नंबर पे राइबोस शुगर जो कि 5 कार्बन शुगर है, और तीसरे नंबर पे है फास्फेट ग्रुप, तीसरे नंबर पे लगा हुआ है फास्फेट ग्रुप। तो ये जो एटीपी का स्ट्रक्चर है इसमें आपने तीन चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले एडिनिन जो कि एक नाइट्रोजिनस बेस है, दूसरे नंबर पे 5 कार्बन शुगर जिसे हम राइबोस कहते हैं, और तीसरे नंबर पे फास्फेट ग्रुप्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 फास्फेट ग्रुप्स लगे हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं एडिनिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। तो इसमें 3 फास्फेट ग्रुप्स लगे हैं। अब इनर्जी कहाँ स्टोर होती है इसमें? इनर्जी जो स्टोर होती है वो इन फास्फेट ग्रुप के दरमियान, ये जो आपको टिल बॉन्ड बने नज़र आ रहे हैं इनके अंदर इनर्जी स्टोर होती है। बेसिकली जब हम कहते हैं कि एटीपी से हमें इनर्जी मिलती है, तो इसका ये मतलब होता है कि जब एटीपी में फास्फेट्स के बॉन्ड्स आपस में टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी को यूज़ करके ऑर्गेनाइज या सेल अपने सारे फंक्शंस करता है। ठीक है, तो ये एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? फास्फेट्स बॉन्ड्स के दरमियान में। ठीक है, ये जो फास्फेट्स बॉन्ड के दरमियान में जो टिल्ड से लाइंस बनी हैं, ये एक बॉन्ड्स हैं जिनके टूटने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब आपको मैं बताता जाता हूँ कि अगर एक बॉन्ड टूटता है, मतलब एक फास्फेट उतरता है, तो एटीपी क्या बन जाती है? एडीपी, मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, और अगर दूसरा बॉन्ड भी फास्फेट का भी टूट जाए तो फिर बन जाती है एटीपी एएमपी, मतलब एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो ये तीन आपको स्ट्रक्चर में नज़र आ रही हैं चीज़ें, ये तीनों ऐसे हैं कि अगर फास्फेट का एक बॉन्ड टूटता है तो डाई फास्फेट रह जाती है, और अगर दोनों फास्फेट के बॉन्ड टूट जाते हैं और सिर्फ एक रहता है तो फिर मोनोफॉस्फेट रह जाती है। जी दोस्तों, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये एक इक्वेशन जो कि आप इधर देख सकते हैं, ये इक्वेशन में जो इनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एटीपी की ब्रेक डाउन से, वो कैसे प्रोड्यूस होती है। देखिए दोस्तों, एटीपी जो है वो वाटर की मौजूदगी में जब टूटती है तो उससे बनता है एडीपी, एक फास्फेट बॉन्ड टूट गया,
जब बोन टूटा है तो एनर्जी भी रिलीज होगी, तो एक तो एडीपी निकल आया, एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जो कि बोन टूटने की वजह से प्रोड्यूस हुआ, और तीसरे नंबर पे एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई, जिसकी अमाउंट कितनी होती है, ये होती है अबाउट 7.3 किलो कैलोरीज। ये एनर्जी जो है ये ऑर्गेनाइज यूज करेंगे और अपने जो है वो फंक्शंस करेंगे। उसके बाद दोबारा से अगर जब इसको मतलब ये एनर्जी जो है ये एटीपी एडीपी बन गई है, तो अब इसको दोबारा से सेल जो है इसको एटीपी कैसे बनाएगा, अब ये नया क्वेश्चन होता है। इसको कहते हैं रिसाइकलिंग ऑफ एटीपी, मतलब एक बार हमने एटीपी यूज़ कर लिया है, अब उसको रिसाइकल करके दोबारा से एटीपी कैसे बनाना है। तो यही रिएक्शन जो आपको नज़र आ रहा है इसका हम रिवर्स कर लेंगे, मतलब कि एक एडीपी में एक फॉस्फेट और जो है वो ऐड होगा और एनर्जी जो है वो स्टोर होगी और एटीपी बन जाएगी। ये कैसे बनती है, ये ऑक्सीडेशन होती है जब ग्लूकोज की एनर्जी जो रेस्पिरेशन में, तो उससे हमें ये एटीपी दोबारा जनरेट करने की सलाहियत सेल को मिलती है, और तब एटीपी दोबारा से जनरेट होती है। ठीक है, तो अब मैं एटीपी के जो है फंक्शन बता देता हूँ कुछ, के एटीपी करती क्या क्या है। एटीपी जो है वो टोटली जितने भी सेल के में जो प्रोसेस हो रहते हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, वो सारे जो हैं वो कंट्रोल कौन करती है, किसके थ्रू हो रहे होते हैं, एटीपी के थ्रू। तो एटीपी जो है उसकी अगर आपको एग्जांपल लिखनी पड़ेगी कौन कौन से काम करवाती है, तो आप लिख सकते हैं कि एटीपी जो है वो सेल की डिवीजन में मदद करती है। ठीक है, सेल की जो है वो सेल के अंदर जितनी भी ट्रांसपोर्ट वगैरह होती है उसके लिए भी मदद करती है, और इसके साथ साथ जो है वो सेल की ग्रोथ में भी मदद करती है। उसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह जो है, एक्टिवली जितने भी काम होते हैं उन सब में भी एटीपी ही मदद करती है। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और समझ आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।